में विजेंद्र सोलंकी 125 करोड़ लोगों के देश को सिर्फ एक किताब चला रही है जिसका नाम है संविधान। देश में शासन करने वाले नेता और अधिकारी बदलते रहे लेकिन संविधान देश की कमान संभाले आगे बढ़ता रहा। संविधान ने देश के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय का समान अधिकार दिया है। संविधान गरीब और अमीर, छोटे या बड़े के बीच भेदभाव नहीं करता। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने और लोकतंत्र के मूल्यों को और ज्यादा मजबूत करने का काम संविधान करता आ रहा है। संविधान की महत्ता पहले से और ज्यादा बढ़ी है। संविधान की महत्व, इसकी प्रासंगिकता और आम आदमी के जीवन को सुधारने में इसके योगदान पर आधारित है हमारा स्पेशल प्रोग्राम जय संविधान। देश में संविधान ही सर्वोपरि है। इसकी छाया तले लोकतंत्र फल फूल रहा है। आम आदमी को उसके अधिकार मिल रहे हैं और भारत निरंतर प्रगति के पद पर अग्रसर है। देश को तोड़ने के तमाम कोशिशों को संविधान ने दरकिनार किया है। भारत आज विश्व पटल पर अपनी आभा बिखेर रहा है और इसके पीछे संविधान का सबसे बड़ा योगदान है। करोड़ों देशवासियों को एक साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले संविधान को देश नमन करता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संविधान ही सर्वोपरि। मानवता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है संविधान। सवा सौ करोड़ लोगों को एकता के सूत्र में बांधने, आज एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में खड़ा है तो इसका श्रेय जाता है देश के संविधान को। संविधान ने देश की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया है। समाज के अंतिम व्यक्ति को भी समान अधिकार दिया है। देश का हर नागरिक समान है। उसके साथ जाति, धर्म, लिंग, रूप या आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये सुनिश्चित करता है देश का संविधान। कर्तव्य और अधिकारों का संतुलन बनाकर समाज को सुरक्षित और मजबूत करता है संविधान। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान के बारे में प्रतिक्रिया इसके मूल और महत्व को परिभाषित करती है। इससे जाहिर होता है कि संविधान किसी भी परिस्थिति में सार्थक है, बस जरूरत है तो इसकी अवहेलना होने से रोकने की। संविधान के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य है, ये लचीला है, पर साथ ही ये इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। संविधान की इसी महत्ता को समझते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई पीढ़ी में लोकतंत्र के मूल्यों का बीजारोपण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में युवाओं के लिए आयोजन किया गया, जिसमें देश के लॉ स्टूडेंट और 8 देशों के युवा सांसद शामिल हुए। कार्यक्रम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। उन्होंने संविधान की महत्ता समझाई। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रेरणादायी संबोधन की एक एक लाइन सुनने लायक थी। उन्होंने कहा कि भारत के कार्यों में यहाँ के लोगों के व्यवहार लोकतंत्र है। भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में पहचान है। भारत पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों का मार्गदर्शन करता है। संविधान निर्माण के दौरान न्याय, समानता, स्वतंत्रता के मूल्यों को प्राथमिकता दी गई। भारत में लोकतंत्र पुरातत्व है। हमारे विचारों में, हमारे कार्य में, हमारे व्यवहार में लोकतंत्र है और इसीलिए भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है।
और इस संविधान बनाने वाले मनुष्यों की तप तपस्या के कारण आज दुनिया में सबसे बड़ा संविधान भी है और लोकतंत्र के सशक्त करने का एक मार्गदर्शक के रूप में केवल भारत को नहीं पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करने का काम भी करता है। संविधान बनाते समय हमारे मनुष्यों ने संसदीय लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं, जिन संस्थाओं के माध्यम से सभी समाज के लोगों को न्याय मिले, समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, इसके लिए इस संविधान की विशेष विशेषता है। कार्यक्रम के माध्यम से संविधान में शक्तियों के पृथक्करण पर युवाओं को जागरूक किया गया। ओम बिरला ने कहा कि संविधान में अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर भी जोर दिया गया है। संविधान में तीनों अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान के तीनों अंग अपनी अपनी सीमाओं में काम करें, ये आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाते समय युवाओं के योगदान का अभिनंदन, युवाओं को लोकतंत्र को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए आना होगा। इस संविधान के मूल रूप में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को सशक्त करने का काम भी संविधान के माध्यम से हुआ है और इसीलिए ये तीनों अंग अपने अपनी सीमाओं में रहकर किस तरीके से इस कार्य को कर सकते हैं, इसलिए इन तीनों अंगों में कोई प्रतिस्पर्धा न हो, ये तीनों अंग आपस में समन्वय कर आपस में मिलजुल कर ऐसी कार्य योजना बनाए जिससे समाज और नागरिक का अधिकतम कल्याण हो। युवा साथियों, जब हम आजादी के लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा को पूरे करने जा रहे हैं, उस समय आपकी व्यापक जिम्मेदारी है। इस 75 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा में हमारे देश के नौजवानों ने भी इस देश को समृद्धि कुशाल में लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आजादी के बाद भारत को तोड़ने की कई कोशिशें की गई, लेकिन संविधान के वट वृक्ष तले भारत एक राष्ट्र अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित होता चला गया। आज दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाने वाला भारत इसी संविधान की डोर पकड़कर गरीबी और असमानता के भंवर से बाहर निकल रहा है। देश की मजबूती के लिए संविधान बेहद जरूरी है और इसके महत्व को भारत ही नहीं पूरी दुनिया स्वीकार की। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संविधान के महत्व और लोकतंत्र के पोषण में इसकी भूमिका को अच्छी तरह समझते हैं। युवा पीढ़ी में इसके मूल्यों का समावेश हो और आने वाले वक्त में इसकी उपयोगिता और ज्यादा बढ़े, इसके लिए वो हमेशा कोशिशें करते रहते हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में स्पीकर ओम बिरला ने देश की युवा पीढ़ी और कई देशों के युवा सांसदों को संबोधित करते हुए उनमें लोकतंत्र का बीजारोपण किया। ये रिपोर्ट देखिए। ओम बिरला ने देश के छात्रों और कई देशों के युवा सांसदों को संबोधित किया। मकसद बस यही कि सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में लोकतंत्र फले फूले, आने वाली पीढ़ियां इसके महत्व को समझते हुए संविधान की महत्ता और शुचिता को बनाए रखें। ओम बिरला ने युवाओं को आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कानूनों के निर्माण में भी युवा सहभागिता करें, अपने जनप्रतिनिधियों को बहुमूल्य इनपुट दें, जनता की आशाओं और अपेक्षाओं को जनप्रतिनिधियों को बताएं। इससे आमजन के अभावों को दूर करने में देश को मदद मिलेगी। आप सब लोक के विद्यार्थी हैं। लोक के विद्यार्थी होने के कारण, कानून के विद्यार्थी होने के कारण आपकी समाज में ज्यादा जिम्मेदारी है और विशेष रूप से लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति आपकी व्यापक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप किस तरीके से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। आप लोग के विद्यार्थी होने के कारण आपकी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जब कोई कानून बनने के पहले
जनता के लिए प्रचलित होता है उस समय आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आप उस कानून में अपनी सलाह दें, सुझाव दें, और कानून बनाते समय जब विधानमंडलों में चर्चा और संवाद हो उस समय भी आप अपने चुने जनप्रतिनिधियों को आवश्यक इनपुट दें। अगर हम हमारे जनप्रतिनिधियों को कानूनी राय देंगे, अच्छे इनपुट देंगे, तो वह जनप्रति अपनी अपनी विधानमंडलों के अंदर व्यापक रूप से सारगर्भित चर्चा करेंगे और कानून बनाने के अंदर अपना सार्थक योगदान दे पाएंगे। इसलिए लोकतंत्र में आपका सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के अंदर, और इसीलिए आज मैं यहाँ पर ऐसे विद्यार्थियों को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर हम एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर जाएंगे और किस तरीके से हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा योगदान इस देश में हो, इसके लिए खुद मनन कर अपनी दिशा तय करेंगे। उन्होंने अपनी ओर से लोकतंत्र की समृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को विधान मंडलों से जोड़ने के लिए लोकसभा तेजी से काम कर रही है। हर सूचना, हर जानकारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी है। लोकसभा वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ये प्लेटफॉर्म तैयार करने का प्रस्ताव दिया था। साथियों, हमने इन विधान मंडलों के अंदर भी व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। हमारे देश के अंदर आने वाले समय के अंदर सारे विधान मंडल एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। हर विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा की जो भी कार्रवाइयां हैं, हर पर सारी कानूनी प्रक्रियाएं, वहां की नियम प्रक्रियाएं, वहां की अच्छी डिबेट चर्चाएं, वहां की अच्छी परंपराएं, परपाटियां, वहां के जनप्रतियों के द्वारा किए गए अच्छे इनोवेशन सब हम एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक प्लेटफॉर्म पर आप पूरे लेजिस्लेटिव वर्क को देख सको, ताकि आप अपने ज्ञान वर्धन भी कर सको और उस लेजिस्लेटिव वर्क के माध्यम से आप आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम भी कर सको। क्योंकि हमारा लोका विद्यार्थी जितनी अधिक क्षमतावान होगा, जितनी उसकी बौद्धिक क्षमता अधिक होगी, उतने ही हमारे देश को तो योगदान देगा, पूरे विश्व को योगदान देने का भी काम हमारा नौजवान करेगा। इसलिए टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग भी विधान मंडलों के अंदर किया जा रहा है। इस अवसर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि युवाओं को अपने दायित्वों और कर्तव्यों का भान होना चाहिए। सामूहिक शक्ति के साथ युवा देश को आगे ले जाने का काम करें। युवा सामर्थ्य के बूते, आज से 25 साल बाद भारत दुनिया का सबसे अग्रणी देश हो। केंद्रीय कक्ष में बैठना युवाओं के लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि युवा यहां से नई ऊर्जा और विश्वास लेकर जाएं। ये ऊर्जा और विश्वास देश के विकास में मार्गदर्शन करेंगे। आजाद भारत के इतिहास में 26 नवंबर का दिन खास है। देश में इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। असल में औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को ही संविधान अपनाया गया। बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान को तैयार करने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान में हर नागरिक को भारत में रहने का समान अधिकार दिया गया। संविधान दिवस का उद्देश्य है युवाओं में संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देना। संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा रोल था। उन्हें श्रद्धांजलि के प्रतीक के रूप में भी संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक साल 1946 में 9 दिसंबर के दिन हुई। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इस बैठक में 207 सदस्य मौजूद थे। हालांकि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस वक्त इस सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन बाद में उनकी संख्या कम होकर 299 हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज़ादी के बाद जब देश का विभाजन हुआ तो कुछ रियासतें इस सभा का हिस्सा नहीं रहीं और सदस्यों की संख्या घट गई। 29 अगस्त 1947 में संविधान सभा में बड़ा फैसला हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। अब सवाल यह कि आखिर संविधान की जरूरत क्यों पड़ी।
असल में जब देश से अंग्रेजों का शासन काल खत्म होने वाला था तब भारत को एक ऐसी कानूनी किताब की जरूरत थी जिससे देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के बीच एकता समानता बनी रहे। संविधान की जरूरत थी ताकि देश एकजुट हो और सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के अधिकार मिले, जिसे देखते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के बीच संविधान बनाने की मांग उठने लगी। जब देश आजाद होने वाला था तो संविधान सभा के गठन की मांग उठी और आखिरकार देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के महत्व को कई मौके पर रेखांकित करते रहे हैं। वो कई बार ये कह चुके हैं कि अगर आज वो प्रधानमंत्री है तो इसके पीछे है देश का संविधान। 2019 में दूसरी बार प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भी उन्होंने संविधान को नमन किया था और इसकी छाया तली काम करने की बात कही थी। अंत्योदय की बात हो या सबका साथ सबका विकास का नारा हो, ये सभी संविधान की मूल भावना से ही प्रेरित नजर आते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च विधान है, जिसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पारित किया था, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की अपनी अनेक खासियतें हैं, लेकिन इसे बनाने में कई अड़चनों का सामना करना पड़ा। संविधान का देश के संचालन में क्या योगदान है और देश के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। 2019 में दोबारा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में अपने भाषण से पहले संविधान के सामने सिर झुकाया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में संविधान की महत्ता का कई बार जिक्र भी किया। दूसरी कसौटी है बाबा साहब अंबेडकर की तपस्या का, जिस पर छाया है वो हमारा संविधान। बाबा साहब अंबेडकर की उस तपस्या का उसके अंदर अर्क है, उसको हम मैं भारत के संविधान के अनुरूप कदम उठा रहा हूं, नहीं उठा रहा हूं। अगर दो हमारे कसौटी के माध्यम होंगे, मैं नहीं मानता हूं कि इस देश को एज ए इंडिविजुअल कभी कोई शिकायत का कारण बनेगा, कभी दल के रूप में नहीं बनेगा, कभी सरकार के रूप में नहीं बनेगा। और इसलिए मेरा आज आग्रह रहेगा कि हम हमारे कसौटी के इन मानदंडों को लेकर के हम चले। संविधान सभी को समान अधिकार की गारंटी देता है, यह गरीब तबके की सबसे बड़ी उम्मीद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके महत्व को समझते हैं और उन्होंने अपने संबोधन में गरीब उत्थान के संकल्प को दोहराया था। गरीबों के साथ जो छल चल रहा था, उस छल में हमने छेद किया है और हम सीधे गरीब के पास पहुंचे। और सच्चे अर्थ में गरीब को एम्पावर करके गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का वो स्वयं एक सैनिक कैसे बने, उस रणनीति के तहत हम सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। और इसलिए तेज गति से भारत में से गरीबी मुक्ति की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमें रास्ता मिला है वो सफलता का रास्ता है, उसमें और जोड़ने की जरूरत है, जोड़ना है, लेकिन देश को इस गरीबी का जो एक टैग लगा है, इस देश को उसे मुक्त करना है। और आजादी के इतने साल के बाद वो हमसे रहने की अपेक्षा, घर की अपेक्षा करे, बिजली की अपेक्षा करे, पानी की अपेक्षा करे, तो उसका हक बनता है। संविधान हर तबके को समानता का अधिकार देता है, सामाजिक न्याय की घोषणा करता है, स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का फॉर्मूला भी संविधान की इसी भावना से निकला है। एक बहुत बड़ी दायित्व है, उस दायित्व को हमें निभाना है। देश ने हमें, और जैसे मैंने कहा, जो हमने वोट देते हैं वो भी हमारे हैं, जो हमारा घोर विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं, क्योंकि हम 130 करोड़ देशवासियों के लिए, हमारे लिए कोई भेद नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं आज इस संविधान के साक्ष्य में, वो संविधान है जिस पर देश के उन महापुरुषों का हस्ताक्षर है, जिस पर बाबा साहब अंबेडकर के एक एक शब्द पर उनकी कलम का असर है, और इसलिए उसकी साक्षी में आज हम मन में संकल्प करके चले कि इस देश के सभी वर्गों को, और पुराने तरीके से काम नहीं आएंगे जी, वो तरीके उनको मंजूर है, हमें तो एकमात्र मार्ग हम सबने मिलकर के 21वीं सदी में हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई इस विकास यात्रा में छूट नहीं जाना चाहिए, पंथ के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संकल्प को और मजबूती से हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है, और उसको प्राथमिकता देते हुए चलना है, और छल को छेद करना है जी। ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। अब हम चुप रहते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं, और इसलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते, और सबका साथ सबका विकास, और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र। जाहिर है कि भारत अगर आज दुनिया के सामने मार्गदर्शक की भूमिका में खड़ा है, विश्व शक्तियां भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को बेताब है, तो इसके पीछे है संविधान द्वारा एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोया गया भारत। 125 करोड़ लोगों में एकजुटता की भावना का संचार करने वाला संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।